नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास में सावन के लिए हरियाला बैग बनाना बताएंगे। इसका मटेरियल है कपड़ा, ये हरे कलर का है। ऊपर के लिए हरा कपड़ा, मैचिंग अस्तर लेंगे, अस्तर कपड़ा। इस बैग में चैन या चिप्स बटन लगा सकते हैं। उभरा हुआ दिखाने के लिए अंदर फोम लगाएंगे। तो आइए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग करेंगे। मैंने ऐसे गोल साइज में बनाने के लिए इसकी गोल ड्राइंग की है। आपके पास जितना कपड़ा हो उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। मैंने ये एकदम सिंपल कपड़ा लिया है। फोम को हम दो पार्ट के बीच में ऐसा रखेंगे कि बाहर दिखाई ना दे। फोम की कटिंग सेम साइज में करना है। अगर आपको कड़क बैग बनानी है तो इसके अंदर बकरम लगा सकते हैं। बकरम भी सेम कटिंग के आकार में ड्राइंग करके काटेंगे। तो आइए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग करके ऐसा कटिंग करेंगे। देखिए, हमने सारी कटिंग कर ली है, अस्तर, फोम, बकरम और ये ऊपर का कपड़ा। अब इसकी हम सिलाई करेंगे गोलाई में। सिलाई पूरी होने के बाद लेंथ जितना आएगा इसका नाप लेंगे। इसकी है 20 इंच। 20 इंच की पट्टी काटेंगे अब नीचे के लिए। ये देखिए, ये बीच की ये पट्टी है, ये 4 इंच की पट्टी है। इसको इसमें दोनों पोर्शन को मिला के सिलाई इस प्रकार करेंगे। ये दोनों पोर्शन मजबूती के साथ इस प्रकार सिलेंगे। मैंने इसके अंदर ये छोटा पॉकेट भी लगाया है। इसमें चैन इसमें छोटा चैन लगाएंगे। ये अपने ग्रीन बैग के लिए मैंने मैचिंग रुमाल बनाई है, जिसको मैं क्रोशिया वर्क के जरिए सजा दे रही हूँ। इसमें क्रोशिया वर्क से कंगूरे बना रही हूँ और ये ग्रीन बैग का मैचिंग रुमाल है। क्रोशिया वर्क से इसमें कंगूरे चारों तरफ बना के सुंदरता के लिए, इससे ये सुंदर लगेगा। इस प्रकार इसमें क्रोशिया से कंगूरे बनाने हैं। ये मैंने बैग का ऊपर का कवर तैयार कर लिया है। अब ये ऊपर का कवर इसकी सिलाई करेंगे इसके साथ अटैच करके। ये देखिए, एक बार फिर डबल सिलाई करेंगे ताकि इसमें मजबूती रहे। इसकी मजबूती के लिए सभी में डबल सिलाई करेंगे। इसमें डबल सिलाई, इसमें भी डबल सिलाई देंगे ताकि मजबूती बनी रहे। ये देखिए, ये ऊपर का कवर बैग के साथ बराबर मिलाकर सिलाई करेंगे, जिसमें हमारा चिप्स बटन लगेगा।
अब इसमें चिप्स बटन लगाएंगे जो जिसके लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, दो। ये है हमारा चिप्स बटन, ये चिप्स बटन लगाएंगे जिसके लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और ये यहाँ पे मैंने ऐसे ये हुक बनाए, कपड़े से ही बनाए दोनों तरफ, जिसमें ये जंजीर लगाएंगे। इसके लिए मैंने दोनों तरफ ऐसे कपड़े से हुक बनाए हैं जिसमें यह जंजीर लगाएंगे और ये टूल्स बटन यहाँ और यहाँ लगाएंगे। ये हमारा ग्रीन सो बैग तैयार है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। हमने चैन एवं चिप्स बटन लगाए हैं, अंदर पॉकेट भी है। इसमें आप हल्के फुल्के सामान रख सकते हैं क्योंकि यह सो बैग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे बने बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।